नमस्कार दोस्तों, न्यू इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। लिस्ट मेकिंग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल को भूलते हुए देखा है। ना केवल लिस्ट का निर्माण बल्कि लिस्ट में संभावित लोगों को भी आप जोड़ सकते हो, मतलब आप नए नए लोगों को भी जोड़ सकते हो। आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। लिस्ट जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का रॉ मटेरियल कहलाता है। आइए जानते हैं कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाते समय एक गोल्डन नियम आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें कभी भी लिस्ट बनाते वक्त किसी को भी प्रिजज ना करें। एक डायरी बना लें, उसके पहले पृष्ठ पे अपने सपनों की तस्वीर लगा लें और उसके बाद अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दें। जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, उसके साथ क्या रिलेशन है, आपको किस दिन डेमो दिखाना है, प्लान, तिथि, ये आप उसमें नोट कर लें। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, आपको पहले ही किसी को प्रिजिस नहीं करना है, क्योंकि हमें एक आदत होती है हम दूसरों के बारे में अपनी धारणाएं बना लेते हैं, तो ये मतलब प्रिजज हमें कभी नहीं करना है। हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास समय नहीं है या पैसा नहीं है या पैसे की ज़रूरत नहीं है या वो व्यवसाय नहीं करना चाहता या इस व्यवसाय से दूसरे व्यक्ति को कोई पता नहीं बता नहीं सकता। हम ये लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि वो हमारा मजाक उड़ाएगा और वो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं, मतलब ये धारणाएँ हमारे मन में आ जाती है। इन धारणाओं को लिस्ट बनाते वक्त दूर करना पड़ेगा। लिस्ट बनाते वक्त निर्माण में कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या आइडिया की ज़रूरत होती है उसके बारे में जानते हैं। आपको बस उन सभी लोगों को याद करने की ज़रूरत है। नाम याद रखने के लिए आपको मेमोरी जॉगर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अपनी मोबाइल फ़ोन सूची, आपका ईमेल आईडी, फेसबुक, ट्विटर, अन्य सोशल मीडिया खाते, विजिटिंग कार्ड जो आपके पास किसी व्यक्ति से मिले हो, जिसे आप मिले होंगे, पुरानी तस्वीरें बाहर निकाल के आप याद कर सकते हैं, जिन लोगों को अपने शादी पार्टियों अन्य अवसरों में आपने इन्विटेशन दिया हो, आपके हाई स्कूल कॉलेज के दोस्त, आपके पिछले वर्तमान ऑफिस के कुलीग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दोस्त और आपके पेशेवर जिन्हें आप जानते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील और कोल्ड कॉन्टैक्ट। लिस्ट मेकिंग का एक बड़ा बहुत बड़ा महत्व है। एक बार आप अपनी सूची तैयार कर लेते हैं तब आप जल्दी से लोगों को इनविटेशन देना शुरू कर सकते हैं। यह व्यवसाय बिजनेस शेयर करने का है। कुछ दिनों बाद आप इतने सारे लोगों को व्यवसाय शेयर कर देंगे कि आपकी लिस्ट कम होती जाएगी, लेकिन आपको क्या है अपनी लिस्ट बढ़ाती हुई जाना है। अगर आप लोग लिस्ट बनाते हैं और अपने साथियों को भी दिखाते हैं तो वो भी अपनी लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का है। जैसे आप करते हैं वैसे आपकी टीम करती है। शुरुआत में तो ये लिस्ट बनाना बड़ा बेकार लगता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। लिस्ट मेकिंग में सबसे बड़ा एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि आपने किसी को भी पहले से प्रिजज नहीं करना है। अंतिम जो गोल्डन रूल यह है कि अगर आपके पास ज़्यादा लोगों की संख्या है तो आप अधिक सुरक्षित हैं और आपके पास अधिक सुरक्षित बिजनेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको एक ऐसी बिजनेस लगी, कैसा वीडियो लगा, काइंडली शेयर माई चैनल टू योर नियर एंड डियर। थैंक यू अगेन।